पब्लिक टीवी आपकी आवाज। आम आदमी पार्टी ने मुरादाबाद मेयर की सीट पर अपना प्रत्याशी बनाकर हाईकोर्ट के वकील चंदन भट्ट को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के वकील चंदन भट्ट अपना नामांकन कराने अपने प्रस्तावक के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पत्रकारों से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी चंदन भट्ट ने बताया कि शहर के विकास को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और जिस तरह से उनकी पार्टी ने दिल्ली में काम किया है उसी तर्ज पर मुरादाबाद का विकास करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में भी अपने कार्यकर्ताओं और जनता के भरोसे पर ही चुनाव जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रही थी। नगर निगम मुरादाबाद में हम अपनी विकास परक योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जनता का भरोसा उन्हें जरूर मिलेगा। चंदन भट्ट का कहना है कि आम आदमी पार्टी पर जनता अपना भरोसा जताएगी। जी, किस पार्टी से नामांकन किया? मैंने आज नामांकन आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए दाखिल किया है। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी? प्राथमिकताएं देखिए बहुत सारी हैं और जिनमें प्रमुख है जैसे हमारे यहाँ सड़कें हैं, गड्ढे हो रखे हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं। ठीक, अंदर आप लोकल जो रोड्स देखते हैं गलियों की, वो भी खुदी हुई हैं, महीनों महीनों तक भरी नहीं जाती हैं। ठीक, दिखाने के लिए बाहर की सड़कें भर दी जाती हैं, अंदर बड़े बड़े गड्ढे हैं। अभी पीछे बारिश हुई है, बारिश होने के बाद वो मिट्टी फिर बैठ गई है, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हो गए, कोई देखने नहीं आता, कोई पूछने नहीं आता है। मुख्य मुकाबला हमारा किसी के साथ नहीं है, कन्वेंसिंग की बात है, बस कन्वेंसिंग करेंगे। और सर एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी का यहाँ तो कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? सॉरी, आप दोबारा थोड़ा आवाज़ कमा रही है आपकी। आम आदमी पार्टी का जो यूपी में इतना हुआ तो फिर कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, चुनौती कोई नहीं है। और बात रही वर्चस्व की, तो कार्यकर्ता पार्टी संगठन लगातार कार्य कर रही है ना। और एक समय था कि जब दिल्ली में भी कोई नहीं था, पंजाब में भी कोई नहीं था, आज देखिए दिल्ली में सरकार है ना, सेकंड टर्म सरकार है, और पंजाब में भी बहुमत से सरकार बनी है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी कार्यकर्ताओं की पार्टी की मेहनत रंग लाएगी और एक अच्छा शासन प्रशासन जनता को देखने को मिलेगा। जी, पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।